एज अ सुप्रीम कोर्ट जज या कभी कभी पर्सनैलिटीज के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में तो आज के सेशन में हम वो डिस्कस करेंगे कि हु इज जस्टिस दीपांकर तत्ता राइट right. चलो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं स्टडी आईक्यू देता है स्टडी आईक्यू का स्मार्ट जुडिश्री कोर्स इस कोर्स में हम कवर अप करते हैं आपके सारे मेजर लॉज माइनर लॉज जजमेंट राइटिंग की क्लास ऐसे राइटिंग की क्लास करंट अफेयर्स और वो बाकी सारी चीजें जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एज ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि बहुत सारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आने वाले हैं और कुछ के आ भी गए हैं तो हमें अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए और कंप्रीहेंसिव तरीके से जिस भी स्टेट को टारगेट कर रहे हैं उसका सिलेबस हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए राइट तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारा स्मार्ट जुडिशरी कोर्स लेने में तो आप ये कोर्स ले सकते हैं यूज करें मेरा कोड एस एच आर और आप ये कोर्स डिस्काउंटेड ऑफर में अवेल कर सकते हैं यूज करे कोड एस एच आर और आप ये कोर्स खरीद सकते हैं सिर्फ दस का फॉर ट्वेल्व मंथ फॉर ट्वेल्व मंथ्स राइट और अगर आपको इसी कोर्स की डबल वैलिडिटी चाहिए दैट इज फॉर ट्वेंटी फोर मंथ्स तो आपको वो कोर्स मिलेगा तेरह हजार रुपए का यूज करके मेरा कोड एस एच आर और आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं इन दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी और यू आर फ्री टू आस्क मी एनीथिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स या कुछ भी अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो यहाँ पे मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं इन दोनों चैनल पर चाहे आपका टेलीग्राम हो या फिर इंस्टाग्राम हो राइट अ वेरी गुड इवनिंग अ वेरी गुड इवनिंग चलो जानते हैं कि कौन है जस्टिस आपके दीपांकर दत्ता तो ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता इज द सन ऑफ फॉर्मर कैलकाटा हाई कोर्ट जज लेट साहिल कुमार दत्ता एंड ऑल्सो ही इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ऑनरेबल जस्टिस अमिताभ राव हु इज द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज नाउ आफ्टर द आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम कैलकटा यूनिवर्सिटी इन दर नाइनटीन एटी नाइन एंड देन ही वॉज एनरोल्ड एज अ एडवोकेट इन द ईयर 1989 ठीक है तो उन्होंने अपने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उसके बाद वो एज एन एडवोकेट इनरोल इन्रो, इन्रो, हो गए इन द ईयर 1989 राइट नाउ ही हैज सर्वड एज अ जज ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट फ्रॉम 22 जून 2006 एंड देन वाज एलिवेटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन अप्रैल 20 uh, 28 2020 राइट right? तो पहले वो उन्होंने सर्व किया हाई कोर्ट में एज अ जज और उसके बाद उनको एलिवेट कर दिया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट को एज अ चीफ जस्टिस राइट नाउ ड्यूरिंग हिज टेन्योर एट बॉम्बे हाई कोर्ट जब उनका टेन्यूर चल रहा था बॉम्बे हाई कोर्ट में तो उन्होंने बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स दिए और जो भी जजमेंट्स थे आपके इन रिस्पेक्ट ऑफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस दत्ता हैज पास सेवरल अथॉरिटेटिव जजमेंट्स वाइल हैंडलिंग द इंपॉर्टेंट असाइनमेंट ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल पी आई एल्स अलॉन्ग विद डैट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स दिए साथ में उन्होंने हैंडल किए आपके इन्वामेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी ठीक है पिटीशंस भी और इन्वामेंट रिलेटेड जो भी पिटिशंस आई थी उस पर भी उनका बहुत एक अच्छा डिसीजन दिया उन्होंने एट द सेम टाइम ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड देखा जाए तो यहाँ पे uh, ऑनरेबल जस्टिस दत्ता ने जब अपना टेन्योर सर्व किया तो वहां पे पर प्रोबेबलीज बिगेस्ट अचीवमेंट वुड बी हिज एफर्ट फॉर न्यू हाई कोर्ट बिल्डिंग इन बंद्रा कॉम्प्लेक्स ऑन 30 एकर प्लॉट तो ये उनका एक लैंडमार्क केस था जहां पे उन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे उन्होंने जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाया कि उन्होंने एक नई बिल्डिंग हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग बनवाई आपके बांद्रा कॉम्प्लेक्स में ऑन थर्टी एकर प्लॉट राइट नाउ ऑलमोस्ट आफ्टर थ्री मंथ्स ठीक है ऑलमोस्ट आफ्टर थ्री मंथ्स आफ्टर द रिकमेंडेशन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन बनाया और एज पर दॉ उन्हें यहाँ पे कहा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिकमेंडेशन किया कि उनको एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बना देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस दीपांकर दत्ता द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो तीन महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिकमेंड किया था उसके बाद अब फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि आपके जो ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं जो अब पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो अब आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे नाउ द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम लेड बाय द चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस यू यू ललित ठीक है हैज रिकमेंडेड द एलिवेशन ऑफ जस्टिस दत्ता इन द रेजोल्यूशन पास्ड ऑन सेप्टेंबर ट्वेंटी सिक्स तो उस टाइम पे जब उस टाइम पे जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ऑनरेबल जस्टिस यूयू ललित उन्होंने रिकमेंड किया था उन्होंने एलिवेट किया था कि भाई आपके दीपांकर दत्ता जो होंगे वो नए जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के ठीक है इट इज वर्थ वाइल्ड टू नो नोट दैट देंट्रल नोटिफिकेशन केम इन द ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिपीटेडली क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर नॉट एक्टिंग प्रॉम्पली ऑन रिकमेंडेशन और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हमेशा कहता है जैसे हमेशा ये क्रिटिसाइज करता है इस बात को कि गवर्नमेंट जो है बहुत बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करता इस चीज को मतलब सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दे दी बट सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इनटू इट ठीक है तो यहाँ पे सुप्रीम uh, कोर्ट जो कहता है कि भाई अगर हमने कोई रिकमेंडेशन बनाई तो उस पर जल्द से जल्द हो जाए बट सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने पहले रिकमेंडेशन किया था ठीक है तो इस चीज पे वो क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट को कि रिपीटेडली क्रिटिसाइज करता है कि वो एकदम प्रॉम्प्टली एक्ट नहीं करती है गवर्नमेंट जब कॉलेजियम में रिकमेंडेशन की जाती है तो वाइल इशुइंग नोटिस टू दिस सेक्रेटरी इन जस्टिस इन अ कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल्ड

राइट तो प्रेजेंटली न्यू न्यू जज जज ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता विल बी ऑफ़ सुप्रीम कोर्ट एट द सेम टाइम इतने मतलब तीन महीने पहले रिकमेंडेशन करी थी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फाइनली सेंट्रल ने जो है बता दिया है कि हाँ भाई अभी नए जज होंगे और इनका टेन्यूर कब तक होगा एट फेबरी ट्वेंटी थर्टी तक इनका टेन्यूर होगा राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन वन मोर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट दैट स्टडी आई क्यू देता है स्मार्ट जुडिशरी कोर्स और अगर आप हमारा ये कोर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा ये कोर्स खरीद सकते हैं मेरा कोड एस एच आर यूज करके और आपको ये कोर्स डिस्काउंटेड ऑफर में मिलेगा सिर्फ दस हजार चार सौ निन्यानवे का सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू ऑल द यूपी ज्यूडिशरी स्टूडेंट्स जो भी टारगेट कर रहे हैं यूपी ज्यूडिशरी को या जो भी स्टूडेंट्स यूपी ज्यूडिशरी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो कल से मैं शाम को पांच बजे जो भी नया सिलेबस ऐड हुआ है यूपी जुडिशरी में उसकी एक सीरीज लेके आ रही हूँ तो कल शाम 5 बजे से जो भी स्टूडेंट्स यूपी जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़े और जो भी नए एक्ट्स आपके जी में एड किए गए हैं जनरल स्टडीज़ के पार्ट में ऐड किए गए हैं आपका मेंटेनेंस टू पेरेंट्स वाला सिडनी सिटीजन वाला और डीवी एक्ट हो गया वो सारे एक्ट जो है लाइन से मैं कंप्लीट कराऊंगी एक पूरी सीरीज लेके आ रही हूँ सो दैट यू परफॉर्म ए वेरी गुड इन द एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन एक, एक बार में ही पार हो जाए तो आप मुझसे uh, कल जो है शाम को पाँच बजे से जुड़ सकते हैं इस यूपी सीरीज की यूपी uh, सीरीज में जो मैं लेकर आ रही हूं आप सबके लिए राइट सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड विल सी यू टुमारो एट सेम टाइम 5 पीएम थैंक यू